स्टोरी विद अरुण प्रेजेंट्स द हॉरर पॉडकास्ट आरजे अरुण के साथ। दिसंबर की सर्द रातों वाला महीना था वो। सुबह शाम की पड़ने वाली कड़ाके की ठंडी से हाल बेहाल था, तो वहीं दोपहर को आने वाली हल्की सी धूप जैसे डूबते को तिनके का सहारा। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी सुस्ती और स्थिरता छाई हुई थी मुझ में, और उसमें भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन की इवनिंग क्लासेज। वैसे तो क्लास शाम को 4 बजे से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन आज अभी तक मैं घर पर ही था और घड़ी में 4:15 हो चुके थे। जैसे तैसे मैं बुझे हुए मन से मानो खुद को घसीटता हुआ कॉलेज पहुंचा। कॉलेज की पहली पीरियड शुरू थी और बनर्जी सर अपने शुद्ध ऊर्जा के साथ क्लास में इतिहास की गुत्थी सुलझा रहे थे। मैं आई कॉमिन सर, इतना बोलते हुए मैंने क्लास में एंट्री मारी। क्लास आज पूरे स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। मुझे सबसे पिछली बेंच पर खाली सीट दिखी और मैं तुरंत जाकर उस पर बैठ गया। उस दिन क्लास में पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। प्रोफेसर बनर्जी की लेक्चर मेरे एक कान से आते तो सीधे मेरे दूसरे कान से निकलते चले जाते। उनका पढ़ाया आज कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच अब मैं खुद को क्लास में और भी बुझा बुझा सा महसूस करने लगा। सोचने लगा कि आज मैं कैंपस आया ही क्यों। मन ही मन जैसे खुद को ही कोस रहा था। एक मन हुआ कि अभी उठकर क्लास से बाहर चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ी देर बाद तो ये पीरियड आखिर खत्म ही हो जाएगी, तब तक क्यों ना इसी बेंच पर सर रख कर थोड़ा सा आराम कर लूं। उस क्लासरूम में मैं सबसे लास्ट बेंच पर बैठा था और मेरे आगे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सीधे स्ट्रीक बैठे हुए प्रोफेसर बनर्जी का लेक्चर सुन रहे थे। मैंने अपने आगे के उन्हीं स्टूडेंट्स के ही पीछे बेंच पर धीरे से अपना सर रख कर सो गया। सबसे बैक होने और सब स्टूडेंट के ठीक पीछे होने के कारण सर ने मुझे सोते हुए नहीं देख पाए थे शायद। शहर से कुछ दूर हटकर था हमारा ये कैंपस। ढेर सारी घने पेड़ पौधे रुख वृक्ष से घिरा ओ कॉलेज दिन में जितना मनभावन सुंदर और परफेक्ट लगता था, रात की सन्नाटों में उतना ही अजीब और भयानक। शाम के बाद से ही जैसे पूरे कॉलेज में एक वीराना सा पसर जाता। कॉलेज के पूरे बाउंड्री में जैसे शांति और सन्नाटा सा हो जाता था। मैंने कुछ पल के लिए ही उस क्लासरूम में आंखें बंद की थी, लेकिन जाने कब इतनी गहरी आंख लग गई मुझे मालूम ही ना चला। अचानक झिंगुरों और कीड़े मकौड़ों के तेज भिनभिनाती आवाज से मेरी आंख खुली और सामने देखा तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। अभी कुछ देर पहले तक जिस क्लासरूम में मैं इतने ढेर सारे स्टूडेंट के बीच बैठा था, अगले ही पल मैंने खुद को उसी क्लासरूम में एक अजीब सी सन्नाटे के बीच खुद को अकेला पाया। बिल्कुल ही अकेला, दूर दूर तक जैसे मेरे आसपास कोई भी नहीं हो। जिंदगी की कुछ घटनाएं ऐसे वक्त में घटती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं किए होते हैं, और अनहोनी के साए
चुपके से हमारे जीवन में ऐसे दस्तक देती है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते। वर्तमान परिस्थितियों में शायद कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। उस दिन कॉलेज के क्लासरूम में अभी क्लास के सारे स्टूडेंट के बीच मैं कुछ पल के लिए ही सोया था, लेकिन अगले ही पल जैसे मेरी आँख खुली तो एक अजीब सी सन्नाटे के बीच पूरे क्लासरूम में मैंने खुद को अकेला पाया था। वैसे तो वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी जो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलती थी, लेकिन इस तरह से मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने हड़बड़ाते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। अब तो मैं और भी ज़्यादा शौक हुआ क्योंकि घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा मैं तो कुछ पलों के लिए ही क्लास में लेटा था, वो भी करीब 4:45 पे, तो फिर मैं इतने देर तक कैसे सोता ही रह गया। और जब क्लास में छुट्टी हुई तो किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं। इससे आगे कि मैं कुछ और भी सोच पाता कि तभी मेरी नज़र उस क्लास रूम की दरवाजे पे पहुंची जो अब बाहर से बंद हो चुका था। मैंने दौड़ के जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, वो बाहर से लॉक किया जा चुका था। ये देख मैं पूरी तरह से शॉक हो चुका था। मेरे दिमाग में अब तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। हो सकता है कॉलेज में अभी सब नए छात्र होने के कारण मुझे व्यवस्था किया हो और किसी ने भी मुझे नहीं उठाया हो। हो सकता है क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे होने के कारण कॉलेज के फ्यू ने मुझे देखा ही ना हो और हड़बड़ी में क्लास का डोर लॉक कर दिया हो। या फिर हो सकता है कि किसी ने मुझे एक दो बार जगाने की कोशिश की हो, लेकिन मैं गहरी नींद में होने के कारण जाग ही ना पाया हूँ। ऐसे ही कई सारी अजीबोगरीब सोच मेरे जहन में अब आने लगे थे। लेकिन आखिर वो वजह चाहे जो कुछ भी हो, अभी के लिए यथार्थ सच्चाई यही थी कि अब मैं उस कॉलेज के इस सुनसान क्लासरूम में अकेला घिर चुका था। क्लासरूम की बनावट ऐसी थी कि उसकी खिड़की सिर्फ राइट साइड में थी जो कि बाहर की फील्ड की तरफ खुलती थी, और ऑफिस की तरफ जाने वाली या सामने से खुलने वाली कोई खिड़की उस क्लासरूम में नहीं थी। वो क्लासरूम बहुत बड़ा था, किसी हॉल के जैसा, और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी उसकी। मैंने ज़ोर से उस दरवाजे पर पीटते हुए चिल्लाया, कोई है, दरवाज़ा खोलिए, मैं अंदर घिर चुका हूँ, प्लीज दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर प्लीज। मेरी आवाज क्लासरूम के दीवारों से टकरा कर जैसे फिर मेरे ही कानों में वो वापस आ जाते थे, लेकिन बाहर किसी में मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने बहुत बार दरवाज़ा पीटा, जोर जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन बावजूद इसके बाहर किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। शायद पूरे स्टेट की ही वो बहुत बड़ा कॉलेज होने के कारण क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी, शायद इसलिए मेरे इतने चिल्लाने के बावजूद भी मेरी आवाज़ उन बड़े बड़े बिल्डिंगों से होकर बाहर तक नहीं पहुंच पाई थी। तभी मैंने हड़बड़ाते हुए अपना पॉकेट चेक किया, लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि आज मैंने अपना सेलफोन घर पर ही भूल आया था। मैंने अपने पॉकेट में देखा, आज मेरा सेलफोन मेरे साथ नहीं था। दिमाग को एक तेज झटका सा लगा, क्या सेलफोन भी आज ही भूलना था मुझे। क्लासरूम में पूरा अंधेरा हो चुका था और उस क्लासरूम की बल्ब भी नहीं जल रहा था। कमरे की ऊपर वाली रोशनदान से बस हल्की सी रोशनी आ रही थी और रोशनदान से आती उस
हल्की सी रोशनी में ये क्लासरूम पूरे सन्नाटे के बीच बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तभी मुझे एक ख्याल आया कि इस क्लासरूम के ऊपर के उस रोशनदान से अगर मैं आवाज़ दूंगा तो शायद मेरी आवाज़ दूर तक जाए और कोई सुन पाए। यही सोचकर मैंने उसी क्लासरूम के कुछ डेस्क, ब्रेंच और चेयर्स को जोड़कर उसमें कुर्सी रखकर रोशनदान तक जैसे तैसे पहुंचा। अभी मैं उस रोशनदान तक पहुंचा ही था कि तभी अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा। मुझे खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल मैं सीधे में जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। आह! एक जोरदार चीख मेरे जुबान से निकली। अब शायद मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी और मैं काफ़ी डर भी गया था। ऊपर से गिरने की वजह से मेरे घुटनों में काफ़ी गहरी चोट आई थी और पैरों में कई जगह खरोच होकर हल्की सी ब्लीडिंग भी हो रही थी। मैं दर्द से कराह उठा था और डर के मारे दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज हो गई थी। उस बंद कमरे की सन्नाटे में जैसे मैं अपनी ही धड़कनों की आवाज़ें साफ साफ सुन रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी इतने में ही अचानक उस कमरे की बल्ब अपने आप ही जलने और बुझने लगी थी। कभी अपने आप ही बल्ब जल जाता तो कमरे में रोशनी हो जाती, लेकिन अगले ही पल वो बल्ब अपने आप ही बुझ जाती और क्लासरूम पूरी तरह से अंधकार और सन्नाटे में परिणत हो जाता। मेरी डर और खौफ की लहर मानो अब उफान पर था। डर के मारे सांसें तेज हो चली थी। उस बंद कमरे के अंदर मेरी घबराहट और बेचैनी अब और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। तभी अगले ही पल मैंने जो कुछ भी उस क्लासरूम में देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो अंधविश्वास था या फिर विश्वास की इम्तिहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही खौफनाक, अजीबोगरीब था और भयानक भी। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन पे यकीन करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं किसी आत्मा से बातें की है, किसी रूह का साक्षात्कार किया हो, पर आप माने या ना माने ये कहानियाँ है बड़ी दिलचस्प और रोमांचक, बे इंतहा दिलचस्प और बड़ा अनोखा रोमांचक। उस दिन मैं अपने ही कॉलेज में लॉक हो गया था। क्लासरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था और रात के अब 11 बज चुके थे। क्लासरूम की दीवार पे लगी दीवार घड़ी के सुई की टक टक करती आवाज़ और मेरी तेज हो चुकी धड़कन के आवाज़ के सिवा एक गहरी सन्नाटा पसरी हुई थी उस क्लासरूम में। रूम की बल्ब भी फ्यूज हो चुका था और मैं उस सुनसान कमरे में एक अजीब सी सन्नाटे के बीच बस अकेला कैद होकर बैठा था। डर और खौफ से मेरा बुरा हाल था और दहशत की मंजर और दहशत का माहौल और भी बढ़ता ही जा रहा था। तभी रोशनदान से आती हल्की सी रोशनी में मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही भयानक था और डरावना भी, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो जो कुछ भी था बहुत ही खौफनाक और अजीबोगरीब था। अभी जिस क्लासरूम में मैं अकेला बैठा था उसी क्लासरूम के हर एक बेंच पर मैंने एक एक आदमी को अपना सिर नीचे की तरफ करके बैठे हुए देखा।
क्लासरूम में लगभग 30-40 डेस्क बेंच थी और उन सारी ही ब्रेंचों पर मैंने देखा कि एक एक इंसान अपना चेहरा नीचे की तरफ छुपाए सर नीचे किए बैठा है। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था, फिर ये सारे लोग, अचानक इतने सारे लोगों को देखकर मेरी रूह कांप गई। अभी तक तो कोई नहीं था यहाँ, फिर अचानक से लोग यहाँ इस कमरे में कहाँ से और कैसे आ गए। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये थी कि इन सारे लोगों में से सबकी उम्र एक जैसी नहीं थी। कोई 70 साल का बूढ़ा था तो कोई 5 साल का बच्चा, कोई 30 साल का वयस्क था तो कोई 15 साल का किशोर। इन सब ने अपना चेहरा छुपाए हर एक शाखा पर बैठे थे। उन लोगों को अचानक यूं यहां देखकर डर के मारे मेरा बुरा हाल था। उनमें मर्द भी थे और महिलाएं भी। इससे पहले कि मैं अभी कुछ और सोच पाता, तभी अचानक अगले ही पल इन सारे लोगों ने अपना चेहरा नीचे से ऊपर उठाया और एक ही झटके में वो सब उठ खड़े हो गए। उन सब की चेहरे को देखकर मैं तो जैसे बर्फ के गोला सा जम गया। उन सारे चेहरे को गौर से देखते ही मुझे ये एहसास हुआ, मैंने अभी तक की लाइफ में अपने गांव घर आस पड़ोस और रिश्तेदारों के यहाँ जितने भी मरे हुए लोग देखे थे, मृत लोग, वहीं सारे मरे हुए बूढ़े बच्चे और वयस्क लोगों की चेहरे थे। ये सब वही लोग थे, पर इस बार देखने में वो चेहरे बहुत ही भयानक और भद्दा लग रहा था। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था तो किसी की एक आंख बाहर की तरह निकला हुआ था, किसी के मुंह से खून निकला था तो किसी का सर बहुत ही बड़ा और नाके सिकड़ी हुई, और किसी का तो पूरा चेहरा ही जैसा जला कुचला और झुलसा हुआ हो आग में। इतना भयानक और घिनौना चेहरा लग रहा था उनका। कुल मिलाकर उन सब का चेहरा बड़ा ही खौफनाक, डरावना, क्रूर और दहशत भरा जानलेवा लग रहा था। मैं ये सोचकर दंग रह गया कि जो इंसान मर चुके हो, खुद उनकी काम क्रिया में मैं भी शामिल हुआ हूं, जिनके चिता की आग मेरे सामने जली हो, इनमें से कईयों की मैयत और काज क्रिया में मैं गांव घर में शामिल भी हुआ हो, वही लोग भले आज इस तरह से जिंदा कैसे हो सकते हैं। ये सारे दृश्य और मेरे डरावने सोच से डर के मारे जैसे मैं थर थर कांप रहा था, होठ जैसे थर थरा रही थी और दिमाग जैसे शून्य हो चला था। तभी अगले ही पल वे सब आत्माएं एक झटके से जैसे उठ खड़े हुए और सब की सब बड़े ही गुस्से और नफरत भरे नजरों से मेरी ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी आत्माएं हमसे बहुत खपा हो और मुझे क्रूरता भरी आंखों से घूर घूर कर देख रही हो। इस दृश्य को देखकर मैं और भी ज्यादा भयभीत हो गया। मैं डर के मारे सामने वाली ब्लैक बोर्ड की दीवार से चिपक गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी धड़कन अब बंद हो जाएगी, मेरी सांस फूलने लगी थी, घबराहट के मारे सांस लेने में तकलीफ सी महसूस होने लगी थी अब मुझे। तभी इतने में वो सारी जली कटी और भयानक चेहरे वाली डरावनी आत्माएं मेरी ही तरफ बढ़ने लगे। उन सब की अपनी अपनी लंबी और गंदे हाथ मेरी ओर मेरे करीब आने लगी थी। वे सब अपना हाथ मेरे ओर किए मेरे ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे। उन सब का चेहरा और आंखें बहुत ही खौफनाक लग रही थी मुझे। वे सब अपने लंबे लंबे हाथ बढ़ाए एक अजीब खूंखार नजरों से घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वे सब अब मुझे बस छूने ही वाले थे और मेरी धड़कन शायद थमने ही वाली थी कि तभी डर और दहशत से एक जोरदार चीख मेरे गले से निकली, मां।
कहा जाता है कि मरने से पहले किसी इंसान की अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी रूह को शांति नहीं मिलती, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। शायद इस अदृश्य सच्चाई का एहसास अब मुझे भी होने लगा था। उस रोज कॉलेज में जो लोग मर चुके थे उन सब के भयानक चेहरे मेरे सामने थे, खौफनाक और डरावनी चेहरे, और वो सब मेरी ही तरफ बढ़ने लगे थे। वो सब मुझे छूने वाले थे कि अचानक मैंने जोर से चीखा और फिर अगले ही पल जैसे सारा सीन ही बदल गया। अचानक मेरे कानों में मेरी मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी, क्या हुआ बेटे, तुम इतने जोर से चीखे क्यों? तभी पापा भी मेरे पास आए और बोले, लगता है आज फिर से कोई डरावनी सपना देखी है। कितनी दफा समझा चुका हूं कि ज्यादा भूत प्रेत की फिल्में ना देखा करे, मगर ये सुने तब ना। अपने मम्मी पापा की ये बातें सुनते ही मैंने चौंक कर अपने आसपास इधर उधर देखा और अगले ही पल मैंने खुद को अपने माता पिता के बीच अपने घर के बिस्तर पे पाया। मैं डर के मारे पसीने से भीग गया था और अभी तक मेरे दिल के धड़कन बहुत तेज चल रही थी। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई तो दोपहर के 3:30 बज रहे थे। तो क्या ये मेरा सपना था? मैंने अभी जो भयानक दृश्य देखा और जो खौफ महसूस किया, क्या वो मेरा एक ख्वाब था? मैं नींद में ही क्या इतना डर गया? क्या ये सब महज सिर्फ मेरा एक सपना था? ये सब सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा। तभी माँ बोली, कितनी बार बोलती हूँ कि दोपहर को ज़्यादा देर तक मत सोया करो, अब जल्दी से उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, कैंपस भी तो जाना है ना। कैंपस के नाम सुनते ही एक बार फिर रूह सिहर उठा, डर की एक हल्की सी सीरन मैंने खुद के अंदर महसूस किया था। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और खुद को ही खुद को समझाने लगा कि ये तो मेरा सिर्फ एक ख्वाब था और ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। यही सोचकर मैं बेड से नीचे अभी उतरने के लिए उठा ही था कि तभी आह, मेरे मुंह से दर्द की एक कराह निकली, मेरे घुटने से नीचे एक खरोच यानी कि जख्म पड़ा हुआ था जिसमें हल्की सी ब्लड जमा हुआ था और वो काफी पेनफुल था। जख्म देखने से लगता था कि यही 2-3 घंटे पहले का लगा हो। मेरे घुटनों में हुए उस जख्म को देखते ही मेरा माथा ठनका और अगले ही पल मेरे जहन में एक याद आती है। जब मैं उस क्लासरूम में बंद था तो बाहर की रोशनी से आवाज देने के लिए मैं 2-3 ब्रेंचों को जोड़कर उसके ऊपर चढ़ा था और बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा था और ये जख्म तभी लगी थी। लेकिन वो तो सपना था, पर ये जख्म तो असली थे और काफी दर्द भी हो रहा था। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं चाहकर भी अपने माता पिता से ये सब नहीं बता सकता था क्योंकि वो लोग आज की पीढ़ी के शिक्षित परिवार थे और इन सब बातों पे यकीन नहीं करते, उल्टे मुझे ही डांट पड़ती और मेरा मजाक बनता। यही सब सोचकर मैंने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा और जैसे तैसे खुद को तैयार किया, फ्रेश हुआ और 4:00 कॉलेज के लिए निकला। अचानक मेरी नज़र मेरी कलाई पर पड़ी। मेरी घड़ी कहाँ गई? रूम पर भी नहीं था। फिर याद आया, आज सुबह ही तो मैंने घड़ी पहनी थी। घर में चारों ओर ढूंढा लेकिन मेरी कलाई घड़ी नहीं मिली। मैंने सोचा कैंपस से आने के बाद एक बार फिर अच्छे से ढूंढूंगा। इसके बाद मैं कैंपस के लिए निकल पड़ा। आज
कैंपस में मैं कुछ पहले ही पहुंच गया था। अभी 4-5 स्टूडेंट ही क्लास में पहुंचे थे। अभी मैं क्लास में एंट्री हुआ ही था कि तभी मेरी नज़र वहां गई जहां ब्लैक बोर्ड के सामने वाले दीवार के एक कोने में मेरा कलाई घड़ी गिरा हुआ पड़ा था। ये मेरी वही घड़ी थी जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, और ये घड़ी मुझे इस क्लासरूम में मिली जिसमें धूल मिट्टी भी लगी हुई थी। ये घड़ी यहां कैसे आई, मैं चौंक गया। फिर जैसे अचानक मुझे फ्लैशबैक याद आया, क्लासरूम में जब मैं घिरा था तब ब्रेंच से गिरते समय मेरे हाथों की घड़ी भी कलाई से निकलकर दूर जा गिरी थी। लेकिन वो सब तो सपना था ना, फिर एक ख्वाब हकीकत का रूप क्यों ले रही है। अब उस क्लास में मुझे एक बेचैनी सी होने लगी। जो कलाई घड़ी मेरी सपने में गुम हो गई थी वो वास्तविकता में मुझे उसी क्लासरूम में मिली थी। एक अजीब सी घुटन मुझे हो रहा था। अब वहां क्लास में एक पल भी रुकना मेरे लिए मुमकिन ना था। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गया। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर फील्ड में पहुंचा ही था कि मेरे कानों में एक थरथराती और कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, अरुण बाबू जरा ठहरिए तो। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो सामने हमारे ही कैंपस के बूढ़ा वॉचमैन खड़ा था। वो उम्र में 60 पार कर चुका था। उनका चेहरा काफी भद्दा था और डरावना भी। चेहरे पर काफी झुरिया और खुरदुरापन था और आवाज भारी। मैंने खुद को संभालते हुए बोला, जी हाँ काका बोलिए। वो धीमी कदमों से मेरे पास आए, मेरे करीब, बहुत करीब, और सीधे मेरे कानों में धीरे से आकर बोला, बेटे कल रात तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? बेचारे बहुत जोर से गिरे थे ना तुम। इतना कहते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो धीरे कदमों से आगे बढ़ गए और मैं वहीं ठगा सा बस डरे सहमे उन्हें दूर जाते देखता रह गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि कुछ तो है इस कैंपस में जो कि नॉर्मल नहीं है। जब मैं सपने में उस क्लासरूम में घिरा था और बेंच से नीचे गिरा था तो वहां पे कोई नहीं था। मेरी आवाज दूर दूर तक किसी ने नहीं सुनी थी। फिर इस बूढ़े वॉचमैन को ये बात कैसे मालूम कि मैं गिरा था? अगर ये सच था तो उसने मुझे निकाला क्यों नहीं? और अगर ये मेरा सपना था, मेरी वहम थी, तो फिर इस बूढ़े को उस बात की खबर कैसी है? अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि ये कैंपस नॉर्मल नहीं है। कुछ अनहोनी या कोई हादसा, कुछ ना कुछ तो जरूर ही है यहां। ये सारे वाक्य महज सिर्फ एक इत्तेफाक या मेरी भ्रम तो नहीं हो सकता। जरूर कुछ ना कुछ है इस कैंपस में जो अभी एक राज है, लेकिन वो क्या है अभी ये कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। उस दिन उतने सारे स्टूडेंट के बीच भी मैं खुद को बहुत अकेला और तनहा महसूस कर रहा था। अब दिन में ही मुझे एक अजीब सी खौफ के सायों में लिपटी अपनी ही परछाई दिखने लगी। उस कैंपस में अब मुझे दिन में ही डर लगने लगा था। कहने की जरूरत नहीं कि मैं काफी डर चुका था। इन्हीं अजीब सी उलझन और खौफ में खुद को लिपटे मैं अपने घर की तरफ बढ़ गया। क्या सच में उस कैंपस में कोई अनहोनी हुई थी? क्या वो कैंपस मनहूस था? क्या सब महज मेरा सिर्फ एक वहम था, या फिर थी कोई बहुत ही बड़ा राज? ये अभी कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं।
सच का रंग हर बार साफ हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी सच्चाई की डोर इतनी सारी उलझनों में लिपटी हुई होती है कि जिसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बीते कुछ दिनों से मेरे साथ जो कुछ भी अजीब हादसे हो रहे थे वे सब मेरे समझ से बाहर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किससे अपने मन की बात कहूं। मन में एक अजीब सी उलझन हो गई थी और मैं उस उलझन में जैसे घिरता ही जा रहा था। अपने मन की इसी दशा को दूर करने के अभिप्राय से उस रोज मैं माँ के कमरे में गया। मैंने देखा माँ स्वेटर बुनने में व्यस्त थी। मैं माँ के पास जाकर बिस्तर पर बैठा और बोला, माँ एक बात पूछूं। माँ स्वेटर बुनने में मग्न थी। उन्होंने बिना मेरे ओर देखे ही बोली, हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कुछ सकुचाते हुए माँ से बोला, माँ क्या सच में आत्माएं होती है। मेरे इतना कहते ही माँ ने मेरे ओर आश्चर्य से देखा और बोली, आज अचानक तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो बेटे। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया, मैंने बोला। माँ ने मेरे चेहरे की ओर देखते हुए गंभीर होकर बोली, बेटा जिस तरह से दिन के बाद रात होती है, धूप के साथ छांव होती है, दुख के साथ सुख और अच्छाई के साथ बुराई होती है, उसी तरह से इस संसार में भगवान है तो आत्माओं की अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ ये बात कुछ और है कि कई लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन जिसने इन आत्माओं का साक्षात्कार किया हो, उनको देखा और महसूस किया हो, उनके लिए ये सच होता है। मैंने माँ से फिर पूछा, माँ क्या सब आत्माएं बुरी होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। नहीं बेटी, सब आत्माएं दुष्ट या बुरी नहीं होती, माँ ने कहा। जिस तरह से मनुष्य में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उसी तरह से आत्माओं में भी अच्छे और बुरे प्रेतात्मा होती है, और सब आत्माएं हमारा बुरा ही करे ऐसा नहीं होता है। माँ का जवाब सुनकर मुझे कुछ शांति हुई। इससे पहले कि मैं माँ से अपना अगला सवाल करता कि तभी कमरे में डैडी आ गए। मैं डैडी के सामने ये सब बातों पर डिस्कशन करना नहीं चाहता था क्योंकि डैडी आधुनिक सोच वाले इंसान थे। वो इन सब अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करते थे, खामखा मुझे ही डांट पड़ती। यही सोचकर मैंने माँ से अब और कुछ नहीं पूछा और वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गया। माँ की कही हुई हर बात मेरे जहन में घूम रहे थे और मेरे साथ जो कुछ भी अजीबो गरीब वो वाक्य हो रहे थे वो सब मेरे दिमाग में सोच बनकर आने लगा था। सोचते सोचते मेरा सर दर्द के मारे फटने लगा था। मैं सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद माँ ने खाना खाने के लिए मुझे बुलाया और मैं खाना खाने चला गया। रात का खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया था। सोने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नींद थी कि आंखों से जैसे कोसों दूर। रह रह कर फिर से वही सब ख्याल जहन में आने लगी थी। इसी तरह से सोचते सोचते आंखों ही आंखों में न जाने कब रात के 12 बज गए, मुझे पता ही ना चला। दीवार पे टंगी घड़ी की टिक टिक के आवाज़ के सिवा और कोई भी आवाज़ नहीं थी उस कमरे में। तभी बाहर गार्डन से किसी की रोने की आवाज़ आई। मैंने गौर से सुना तो लगा जैसे कोई बहुत दुखी होकर दर्द से सिसकिया लेकर रो रहा हो। मैंने डरते हुए खुद को संभाला और हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, पर उधर से उसके रोने की आवाज़ के सिवा और कुछ भी अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था मुझे।
मैंने खुद को हिम्मत दिया और कमरे से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे कदमों से बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए जैसे तैसे हिम्मत करके घर का पीछे की दरवाजा तक पहुंच गया। पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ था, मैंने बिना मम्मी पापा को जगाए सीधे पीछे का दरवाजा खोलकर गार्डन में पहुंच गया। अंधेरे में कुछ भी अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और संयोग से उस वक्त बिजली भी गई हुई थी। तभी मैंने जुगनुओं की हल्की रोशनी में देखा कि गार्डन में लगी आम के छोटे से पेड़ के पास कोई छाया अक्स जैसा बैठा रो रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा वहम हो, फिर अगले ही पल मैंने अपनी आंखों पर जोर देकर बहुत गौर से देखा तो लगा जैसे वो अंदाजी कोई 22-23 साल का लड़का हो। मैंने अपनी डर को छिपाते हुए धीरे से बोला, कौन हो आप और यहाँ क्यों बैठे हो? मेरा इतने कहते ही वो लड़का और भी जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी सिसकियों में बहुत दर्द भरा था, बहुत व्याकुल और बेचैनी सी थी उसकी आह में, बहुत करुणा और दर्द थी उसकी रुलाई में। अब तक जिसे देख मैं डर रहा था और जो आवाजें मुझ में खौफ पैदा कर रही थी, वहीं अब उसकी व्याकुल और बेचैन सिसकियों और रुलाई को सुनकर मेरा भी मन बेचैन हो उठा और करुणामय भाव उमड़ पड़े। मैंने हिम्मत करके फिर उससे बोला, आप बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज अपना रोना बंद करें और बताएं आप कौन हैं और रो क्यों रहे हो? मेरा इतना कहते ही इसकी रुलाई एकदम से अचानक से रुक गई, सिसकियां बंद हो गई और फिर अगले कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी पसर गई पूरे उस बगीचे में। और फिर तभी हमें उसकी जैसी एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी हो, मेरा नाम अर्णव है, मैं एमएड प्रथम वर्ष का छात्र था पर अब मैं मर चुका हूँ। आज से 2 साल पहले तुम्हारे ही कैंपस ट्यू में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे ने मेरी जिंदगी और मेरा करियर सब कुछ खत्म कर दिया था। इतना कहते ही वो साया वो अक्स मेरे ओर पलटा, उसे देखते ही ठंडी बर्फ के जैसा जम गया मैं, डर के मारे मेरे रूह कांप गई। सामने की कमरे की रोशनदान से आ रही हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम से सफेद हो चुका था, आंखें सूजी हुई सुर्ख हो चुकी थी, होठ काले पड़ चुके थे और उसके चेहरे पर अब भी खून की कुछ छींटे बिखरी पड़ी थी। उसकी दृष्टि शून्य में थी और चेहरे पर जैसे उसके कोई भी भाव भंगिमा नहीं था। शायद उस रात वहां गार्डन में जो भी उसे अकेले में देखता वो डर और खौफ के मारे वहीं बेहोश हो जाता। सच्चाई के राह पे चलने वाले लोगों का सफर उतना आसान नहीं होता, कई बार उन्हें अपनी जान की बाजी तक लगा देनी पड़ती है। उस रात मेरी ही घर की गार्डन में जैसे ही वो लड़का मेरी ओर पलटा, उसकी वो डरावनी चेहरा देखकर मैं उल्टे पैर अपने कमरे की ओर भागा। अपने बेडरूम में आकर मैंने जल्दी से अपने कमरे की दरवाजे को अंदर से लॉक किया और अभी अपनी उखड़ी हुई सांसों को थाम ही रहा था कि मेरी नजर सामने की बिस्तर पर पड़ा जहां पहले से ही वो लड़का अर्णव बैठा हुआ था।
अब तो मैं डर के मारे कांप ही गया। फिर से मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसने मुझे आवाज दी, रुक जाओ अरुण, डरो मत, प्लीज एक बार तुम मेरी बात तो सुन लो। मैं यहां तुम्हें डराने या किसी का कोई नुकसान करने नहीं आया हूं, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ, इंसाफ उस अपराध का जो मेरे साथ हुआ है। जब तक मुझे मेरे साथ हुए उस ज्यादती का इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गए, गला रुध गया। पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने डरते डरते उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कैसी इंसाफ चाहिए तुम्हें? मेरा इतना कहते ही उसके चेहरे पर कुछ तसल्ली के भाव आए और उसने विस्तार से अपनी पिछली कहानी, अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहना शुरू किया और कहानी जैसे उसके जीवन के फ्लैशबैक में चला गया। मेरा नाम अर्णव था। मैंने भी अपने जीवन के बहुत सारे सपने लिए, अपनी उज्जवल भविष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ढेर सारी उम्मीदों के साथ। आज से 2 साल पहले तुम्हारे इसी कैंपस में एमएड प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था। मेरे माँ बाप के बहुत उम्मीद थे मुझसे, मुझे आगे चलकर प्रोफेसर व्याख्याता बनना था। जिंदगी के बहुत सारे प्लानिंग और ड्रीम थी मेरी, लेकिन एक ही झटके में मेरे सारे सपने, मेरे सारे उम्मीद और करियर को इस कैंपस टीम के लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। ये बात उस समय की है जब मैं कैंपस के शुरुआती दिनों में था। शुरू शुरू में मुझे तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक लगा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बीता गया, मैंने कैंपस की टीचर और प्रोफेसर की बहुत सारी खामियां, कमजोरी और उनकी लापरवाही को नोटिस की। आए दिन क्लास की 1-2 अवधि अनुपस्थित होने लगी। अक्सर कोई ना कोई टीचर और प्रोफेसर अब्सेंट ही रहते थे। पता करने पर मालूम चलता था कि आज सर की तबीयत खराब है, तो कभी उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है, कभी उनके घर पर कोई पार्टी फंक्शन है, तो कभी किसी का बच्चा बीमार है, कभी घर में कोई मेहमान आए हैं। ये सब वो कारण और वजह थी जिनके चलते कैंपस के अक्सर 2-3 पीरियड एब्सेंट हो जा रही थी। शुरू शुरू में तो मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये अनुपस्थिति होने का सिलसिला अवधि साप्ताहिक 3-4 बार होने लगा। कभी कोई विषय के लिए, कभी कोई विषय, आए दिन कोई ना कोई प्रोफेसर वर्ग अनुपस्थित करता, हर दिन कोई ना कोई पीरियड अब्सेंट होने लगी थी। ये कैंपस गवर्नमेंट की है, यहाँ पे पढ़ा रहे इन सारी टीचर और प्रोफेसर को सरकार की तरफ से काफ़ी मोटी सैलरी और सेवा सुविधा मिलती है। फिर भी दिन पर दिन इन सब की लापरवाही बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन क्लास में कोई ना कोई विषय का प्रोफेसर अनुपस्थित होना ही था, जिसके कारण अब हमारी स्टडी में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। कोई भी सब्जेक्ट हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अगर इसी हिसाब से क्लास यू अनुपस्थित होता रहा तो फिर हम अपनी सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे, यही चिंता मुझे होने लगी थी। एक दिन मैंने तंग आकर कैंपस चीफ की ऑफिस में कुछ स्टूडेंट के साथ पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर जैसे वो अस्तब्ध रह गए। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आप सारे स्टूडेंट अपनी अपनी शिकायत इस कंप्लेंट रजिस्टर पर लिख दें और अपनी सिग्नेचर कर दें। इसके बाद हम अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे।
कैंपस चीफ की ये बात सुनते ही सारे स्टूडेंट छात्र डर गए और किसी ने भी अपनी शिकायत लिखकर साइन करने की हिम्मत न की। कोई भी विद्यार्थी लिखित रूप में अपना शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहता था। अपनी शिकायत को लिखित रूप में देने से जैसे सब डर रहे थे। जरा सा ये सब भी उस कैंपस चीफ की चाल थी। उनके धमकी भरे लफ्जों में बोलने से और लिखित सिग्नेचर करने की मांग से कोई भी छात्र डर के मारे शिकायत ही नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी बजाय डरने की मैंने आगे बढ़कर उन सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी समझाया और उन सब की शिकायत के साथ अपनी भी लिखित शिकायत दर्ज कराई और अपनी सिग्नेचर भी किया। यह सवाल किसी एक विद्यार्थी की नहीं, पूरे कैंपस के स्टूडेंट की थी। फिर ऐसे हालात में मैं भला चुप कैसे रह सकता था। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे, बेटा अर्णव, सच्चा राह पे चाहे जितनी भी मुश्किल या अड़चने क्यों ना आए, तुम अपने फर्ज से कभी पीछे ना हटना। शायद पापा की कहीं इन्हीं बातों ने मेरे दिल में हिम्मत और हौसला दिया था और मैं बिना डरे घबराए उन सारी प्रोफेसर की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिन्होंने कॉलेज में लापरवाही कर रहे थे। अगले दिन क्लास में जिस सर की शिकायत हुई थी वो सर तिल मिलाते हुए इवनिंग क्लासेज में पहुंचे। आते ही वो गुस्से भरे लहजे में बोले, ऑफिस में जाकर कल मेरे विषय में शिकायत किसने की। सर के इतना कहते ही सारे क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। तभी सर ने एक बार फिर जोर से अपने वही सवाल दोहराए। इस बार सारे स्टूडेंट की नजर मेरी ओर थी। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। सर बोले, अच्छा तो आप है वो महान और काबिल छात्र जिसने हमारी शिकायत की। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या तुम यहां के नेता हो? नेता हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शिकायत करने की? आज तक इस कैंपस में किसी भी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऑफिस तक किसी प्रोफेसर की शिकायत लेकर पहुंच जाए, और तुम्हारी इतनी साहस? तुम कल के आए लौंडा अपने आप को 30 मार्क कहां समझते हो? तुम्हारी हिम्मत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब तमाशा करने की? सारे क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था। खाली सर की क्रोध आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने सहज होकर धीरे से कहा, सर मुझे आपकी शिकायत करने की कोई इरादा नहीं था। मैं तो आए दिनों की क्लास पीरियड में बस ये अनुपस्थिति होने के लिए बोला था, और वैसा ही क्लास अब्सेंट तो आपके अलावा और भी प्रोफेसर के हो रहे हैं सर। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो हम सब परीक्षा तक अपने पाठ्यक्रम को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? सिलेबस कैसे आगे बढ़ पाएगा? चुप रहो तुम, सर ने बीच में ही मेरी आवाज रोक दी। क्लास एब्सेंट होती है तो होने दो, एक तुम ही तो हो नहीं हो यहां पढ़ने वाले लड़के, और भी तो है यहां पर, आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की, फिर तुम ही क्यों? तुम यहां पढ़ने आए हो या फिर नेतागिरी करने? तुम यहाँ के बाकी सब विद्यार्थी सबको भी हमारे खिलाफ भड़का कर अभियान चला रहे हो। मैं तुम्हें ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये सब बंद कर दो, नहीं तो इसके बहुत घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं तुम्हें। और हाँ, एक बात और सुन लो, इस कैंपस में ये सिलसिला सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, इसे बदलने की तुम कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम खुद ही बदल दिए जाओगे यहां से। इतना कहते ही उनके चेहरे में एक शैतानी सोच की झलक देखी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता वो क्लास से जा चुके थे। फिर उस दिन से लगभग हर दिन क्लास में उन सभी प्रोफेसर की टॉर्चर और डांट मुझे सुननी पड़ती।
लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कैंपस पीरियड की अनुपस्थिति और प्रोफेसरों की लापरवाही का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आए दिन कोई ना कोई प्रोफेसर क्लास अब्सेंट करते या फिर क्लास में पढ़ाने ही नहीं आते। मैं चाहता तो वहाँ के दूसरे बाकी छात्रों की तरह चुपचाप इस लापरवाही और कैंपस की कमी कमजोरी को नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ मेरे अकेले की करियर का नहीं था। सवाल इस कैंपस में पढ़ रहे उन तमाम विद्यार्थियों और आने वाले दिनों के उन तमाम स्टूडेंट्स की जीवन करियर का था। इसलिए चाहकर भी मेरी अंतरात्मा और मेरी खुददारी इस कैंपस में हो रही इस चरम लापरवाही को सहजता से स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इस बारे में और प्रोफेसर की अनुपस्थिति की वजहों को बहुत खोज तलाश और अनुसंधान की और फिर काफ़ी मस्कर और माथापच्ची के बाद मेरे सामने उनकी जो सच्चाई खुली उसे जानकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई और साथ में आश्चर्य भी। जरा सी बात ये थी कि ये सारे गवर्नमेंट के प्रोफेसर और टीचर अपने सरकारी कैंपस के पीरियड में जाने के बजाय किसी प्राइवेट कैंपस में जाकर पढ़ाते और उधर क्लास लेते थे और बदले में मोटी रकम वसूल करते थे। हफ्ते के 2-3 दिन अनुपस्थित कर देना, कभी क्लास बहुत देर से आना, तो कभी कैंपस से बहुत पहले ही निकल जाना, तो कभी लंबी छुट्टी लेकर घर बैठ जाना। इन सब कारणों की वजह आज मैंने जाना कि इन सब प्रोफेसर को गवर्नमेंट की तलब भत्ता से पेट नहीं भरता था, इसलिए तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी अवधि बंक मारकर प्राइवेट कॉलेज कैंपस में पढ़ाने जाते थे। लेकिन ये तो गलत था ना, पढ़ाने तो वो किसी और टाइम में भी जा सकते हैं ना। गवर्नमेंट कैंपस में पढ़ने वाले उन तमाम स्टूडेंट के लाइफ और करियर से खिलवाड़ करने का हक उन्हें किसने दिया? ये तो वही बात हो गई ना कि सरकारी अस्पताल के टाइम अवधि में डॉक्टर वहाँ से गायब होकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाकर पेशेंट देखता है, तो फिर उस सरकारी अस्पताल में आए हुए बिरामी को कौन चेकअप जांच करेगा, उनका इलाज कौन करेगा, जब उस टाइम पीरियड में वहाँ का सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में चला जाता है। यही हाल इस कॉलेज का था। इस तरह से वो प्रोफेसर इस देश, सरकार, समाज और विद्यार्थी सबको धोखा कर रहे थे। सरकारी टाइम जो कैंपस के लिए था, जो कॉलेज के लिए था, वहाँ से अनुपस्थित होकर वो प्राइवेट क्लास ले रहे थे। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने अपने मन में एक गंभीर फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस कैंपस में हो रहे इस घुसखोरी, कालाबाजारी और लापरवाही को मैं सदा के लिए ख़त्म करके ही रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा, हरगिज नहीं। मैं इस करप्शन का अंत करके ही रहूँगा। इस कैंपस के जो भी प्रोफेसर यहाँ के विद्यार्थियों के ज़िंदगी से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के टाइम में जो यहाँ बंक मारकर बाहर जाकर जो क्लास ले रहे हैं, ये सब कालाबाजारी और करप्शन का अंत मैं करके ही रहूँगा, बस करके ही रहूँगा। ये वो दुनिया है जहाँ पे लालच, छल, धोखा, बेईमानी और पाप सब इसी के धरातल पे अडिग है। यहाँ पे जो इंसान जितने बड़े पोस्ट पर है, जितना ही साफ सुथरा और पाक दामन दिखता है, अक्सर उसी के आंचल सबसे ज़्यादा मैले और दोहरी चरित्र के होते हैं। अर्नब की दर्द भरी आप बीती सुनाकर मैं शॉक्ड हो चुका था। मैं सोचने लगा, जिस कैंपस के धरातल और छत के नीचे हम छात्र अपनी भविष्य की सुनहरी कल्पना करते हैं, जिस
कॉलेज के धरातल पे हम सारे स्टूडेंट्स अपने सुनहरे भविष्य का ख्वाब सजाते हैं। उसी कैंपस के अंदर इतनी सारी बुराइयां और भ्रष्टाचार फैली हुई है। ऐसे भ्रष्ट शिक्षक, प्रोफेसर और प्रशासन से हम छात्र शिक्षा के भला क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने अर्नब से पूछा, इतना कुछ होने के बाद क्या तुमने अपने माता पिता से इस बारे में कुछ बात की थी? अर्नब ने जवाब दिया, उस वक्त डैडी बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने कुछ कुछ बातें मम्मी को बताई थी, लेकिन मम्मी ने शायद इस बात को इतने गंभीर से नहीं लिया था। माँ ने कहा था, देखो बेटा अर्नब, ऐसे करप्शन तो आजकल हर जगह है, तुम्हें कौन सी कैंपस सुधारनी है? तुम अपनी स्टडी और एग्जाम पर ध्यान दो, इन सब बखेड़ों में पढ़ने से उल्टे तुम्हें ही नुकसान होगा। हाँ, जब तुम्हारे डैडी आते हैं तो मैं खुद उनसे इस बारे में बात करूंगी। शायद माँ भी सही बोल रही थी। आने वाले कुछ ही हफ्तों के बाद मेरे परीक्षा आने वाले थे। मैंने खुद अपने आप को समझाया और इस विषय पे फिलहाल चुप हो गया। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये सरकारी कैंपस के टीचर और प्रोफेसर अपनी कैंपस के टाइम में यहाँ के क्लास अब्सेंट करके किसी प्राइवेट कैंपस में जाकर क्लास लेते हैं, और ऐसे ही ये लोग हफ्ते के 3-4 दिन बहुत सब्जेक्ट में अनुपस्थित होते हैं, तो ये सब देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मेरे अंदर की खुददारीपन और स्वाभिमान मुझे बार बार इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने पे मजबूर कर रही थी। मैंने फिर से एक बार ऑफिस में जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। इस बार मैंने मौका देकर कैंपस प्रमुख, कैंपस चीफ और प्रिंसिपल के पास जाकर ये सारी बातें बताई और उन्हें ये भी बताया कि कैसे यहाँ के प्रोफेसर सब कैंपस बंक करके ज़्यादा पैसे के लालच में प्राइवेट कैंपस में जाकर क्लास लेते हैं। मेरी बातों को पहले तो उन सभी ने बहुत ही गंभीरता से सुना और फिर उसके बाद ये बोले कि ये बात मैं किसी और से ना कहूँ, मुझे कॉलेज की ये सारी बातें और यहाँ के प्रोफेसर की बातें कहीं पे भी ना कहने की साफ साफ हिदायत दी गई थी, नहीं तो इस कैंपस की बहुत बदनामी होगी या फिर ऊपर से कार्रवाई ही हो सकती थी। ये सारी बातें बाहर फैलते ही और मीडिया में खबर जाते ही हर साल कॉलेज में आने वाले भारी बजट की ट्रस्ट डोनेशन पर भी असर पड़ सकता था, इसलिए ये सारी बातें कहीं पर भी ना कहने के लिए मुझे सावधान किया गया था। कैंपस चीफ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो इस मामले में चुप नहीं रहेंगे और कड़ा कदम उठाएंगे। कॉलेज में जो भी प्रोफेसर दोषी है उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन सब बातों के कुछ ही दिनों बाद अचानक से जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो, वो शिक्षक अब हर रोज अपना पीरियड लेने लगे थे, कोई कभी अनुपस्थित नहीं होता था, सब कुछ जैसे बहुत शांति से चलने लगा था उस कॉलेज में। अब मुझे तो लगा था कि जैसे सब कुछ अब ठीक और सामान्य हो गया है, लेकिन शायद मुझे ये मालूम ना था कि ये शांति कोई बहुत बड़ी आंधी और तूफान आने से पहले की समुद्र की तटीय शांति थी। मेरे जीवन में आने वाले खौफनाक अनहोनी से अभी मैं अनजान था। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद से एक और घटना मेरे साथ हुई। अब आए दिन क्लास में मुझसे सवाल पूछे जाने लगे थे, बात बात पर मुझे कैंपस के हर पीरियड में खड़ा कर दिया जाता था। हर बार मुझसे सब्जेक्ट से रिलेटिव सवाल के नाम पर कठिन अर्थ पूछे जाने लगे थे, कभी कोई आउटसाइडेड तो कभी भी कोई आपत्तिजनक सवाल। क्लास में सबके सामने मेरा अपमान किया जाने लगा और मुझे मेंटली रूप से अब टॉर्चर किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हर बार क्लास में मुझे सारे स्टूडेंट्स के बीच खुद को बहुत ही अपमानित महसूस होना पड़ता था।
मुझे मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हर रोज बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हर एक दिन की क्लास में मुझे खड़ा कर इतने सारे सवाल पूछे जाते थे जिनके जवाब शायद किसी के लिए भी मुश्किल हो। उन दिनों पूरे कैंपस में जैसे हर ओर मेरे ही चर्चे होने लगे थे। कैंपस के सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टाफ्स, यहाँ तक कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और खुद मेरे कुछ दोस्तों के बीच भी मुझे जैसे एक अजीब सा पात्र बना दिया गया था। इसी बीच मेरे एग्जाम के डेट भी आ गए। इतने सारे तनाव और स्ट्रेस के बीच मैं पढ़ाई में खुद कंसिस्ट नहीं कर पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया और आने वाले एग्जाम की तैयारियों में खुद को लगा दिया। परीक्षा के फाइनल दिन भी आए, मैंने खूब मन लगाकर पढ़ा और एग्जाम दिए। मेरे सारे एग्जाम बहुत ही अच्छे गए थे। मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि इतने मेंटली टॉर्चर के बाद भी मैंने इन सब चीज़ों का असर अपने एग्जाम पर या पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया था और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मैंने अपने सब्जेक्ट्स के लगभग सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे से लिखा था। मुझे पूरा यकीन था कि सारे ही सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मुझे इंतज़ार था तो बस अपने रिजल्ट का। और कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गया। मैं चार सब्जेक्ट्स में फेल था। और वो गौर करने वाली बात ये थी कि वही सब्जेक्ट से जिसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की मैंने कंप्लेन की थी, चार सब्जेक्ट में फेल और वो भी बहुत ही बुरे नंबरों से। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दुख तो बहुत हुआ लेकिन मुझे तो जैसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। जब मैंने अपना रिजल्ट और गौर से देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उन चार सब्जेक्ट्स में फेल था जिसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर की और टीचर्स की मैंने शिकायत की थी। लेकिन चार सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए थे। मुझे अच्छे से याद था कि इन चारों सब्जेक्ट्स के सारे सवालों के जवाब मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, तो फिर मैं फेल कैसे हो गया? अब मुझे वाकई में बहुत टेंशन होने लगा था। अब घर पर मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? मेरे करियर का क्या होगा? सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को कैसे बताऊंगा कि मैं फेल हो गया हूँ? ऐसे ही तमाम सवाल जैसे मेरे जहन में आने लगे थे। रह रहकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती कि जब मैंने अपने सारे एग्जाम के पेपर बहुत अच्छे से दिए थे तो फिर इन चार चार सब्जेक्ट्स में मैं आखिरकार फेल कैसे हो गया? अचानक मेरा माथा ठनका और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई। मैंने कुछ सोचा और फिर फैसला किया कि अब मैं अपनी परीक्षा की कॉपी रीचेक करवाऊंगा। अगले दिन मैं कैंपस प्रमुख के पास गया और अपनी सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने कॉपी रीचेक की इतनी बड़ी और उल्टी सीधी प्रक्रिया बताई कि कोई आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर की बात हो जैसे। फिर मैंने कैंपस के चेयरमैन और प्रिंसिपल से वही बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे सबको मुझसे चिढ़ हो, कोई मेरा मदद करना ही नहीं चाहता था। मैंने कैंपस में जिस किसी से भी इस बारे में बात करनी चाहिए हो, हर किसी ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया हो जैसे। अब मैं और भी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में आ चुका था। रह रहकर मुझे अपनी करियर की चिंता सताने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ना था। उस दिन मैं ऐसे ही गम में डूबा, निराश, थका हारा और परेशान सा अपने घर पहुंचा था। मैंने मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप सीधे अपने कमरे में जा पहुंचा। बंद कमरों के बीच जैसे मुझे घुटन सी हो रही थी, मन जैसे डिप्रेशन से भर चुका था। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर मैंने गलती ही क्या की थी? क्या सच्चाई के पक्ष में बोलना कोई अपराध था? क्या बुराई के विरुद्ध में आवाज़ उठाना मेरा गलती था?
बंद कमरे की दीवारें जैसे मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैं परेशान से अपने घर के टेरिस यानी कि छत पे पहुंचा। मेरा मन बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लग रहा था। रह रहा के मन में बुरी बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा करियर, मेरा भविष्य, मेरे सपने, पेरेंट्स के सपने, सब के सब बिखरे हुए नजर आने लगे। मैं मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर हो चुका था। आए दिन कैंपस में हो रहे मेरे साथ की बदसलूकी, अपमान, और अब मेरा परीक्षा में फेल होकर मेरा एक साल का करियर भी बर्बाद होना। कहीं ना कहीं अब मैं अंदर से टूट चुका था। मैं और मेरा अंतरात्मा कहीं ना कहीं इस बात को सहज रूप से स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि मुख्य परीक्षा में मैं फेल हो गया था। मैं कुछ सोचते हुए अपने घर की तीन तल्ले छत पर ही इधर से उधर टहलने लगा था। मैं बहुत टेंस में था और मेंटली डिप्रेस भी। मुझे गुस्सा, दुख, टेंशन और आत्मग्लानी सब एक साथ हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। मैं अपनी गम और दुखी मानसिकता में ये भी भूल गया कि जिस टेरेस पर मैं इतनी तेजी से इधर उधर घूम रहा हूँ, वहाँ अभी साइड साइड से दीवार नहीं लगवाई गई थी। यानी कि उस टेरेस की छत बाहर से बिना किसी घेरे का था, जो काफ़ी डेंजरस था। उस रोज अपनी ही धुन में मैं सोचते न जाने कब मैं एकदम छत के किनारे में आ पहुंचा। मुझे मालूम ही नहीं चला और अगले ही पल मेरे पैरों का बैलेंस बिगड़ा। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, एक तेज हवा के झोंके सा मेरा शरीर तीसरी मंजिल के छत से सीधे नीचे जा गिरा और नीचे पड़ा एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर से मेरा सर जा टकराया और अगले ही पल खून से लथपथ मेरी बेजान शरीर जमीन पर पड़ी थी। कोई हरकत नहीं, कोई चाल नहीं, हर तरफ बस खून ही खून था और सामने जमीन पर पड़ी थी मेरी लाश, सिर्फ मेरी लाश। इंसान अक्सर उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता है जो वो अपने आँखों से देखता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी अलौकिक और अदृश्य होती है जो दिखाई नहीं देती पर उसका अस्तित्व भी होता है और वजूद भी। अर्णव अपने साथ हुए उन हादसों को सुनाते सुनाते कब उसके आँखें आँसुओं से भीग गए मुझे मालूम ही न चला। वो अपनी आंसुओं को पोंछते हुए रुधे गले से बोला, मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और आखिरी सहारा भी। उनके प्रति मेरी ढेर सारी जिम्मेदारियाँ थी और कर्तव्य भी, लेकिन मेरे जाने के बाद अब इस दुनिया में वो लोग बिल्कुल अकेले हो गए। मेरे ही जैसे न जाने और भी कितने स्टूडेंट्स इन टीचर और प्रोफेसर्स के करप्शन और उनके साजिशों की शिकार हुए होंगे। मैं चाहता हूँ उन सबको न्याय मिले और इंसाफ भी। इस कॉलेज के भ्रष्टाचार में जो लोग भी दोषी हैं उन सबको सजा मिलनी ही चाहिए। जब तक उनके करने का सजा या दंड उन्हें नहीं मिलता, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मुझे मुक्ति। अर्णव की बात सुनकर अचानक मुझे कुछ याद आया और ये एहसास हुआ, अर्णव बिल्कुल सही बोल रहा था। बीते कुछ हफ्तों से मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि कैंपस की पढ़ाई और प्रबंधन में बहुत ही ढीला सुस्ती और लापरवाही की जा रही है, लेकिन मैंने कभी इन बातों को इतना गौर से देखा ही नहीं था। लेकिन लिटरली अब मुझे इस चीज़ की महसूस हो रही थी। लेकिन आज अर्णव की बात, उसकी आप बीती खुद उसी के मुंह से सुनकर मुझे वाकई में ये लगा
कि इन सारे लापरवाह और गैर जिम्मेदार टीचर्स और प्रोफेसर्स को सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कुछ हौसले भरे लहजों में अर्णव से कहा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत और गहरी साजिश थी उनकी। आप बिल्कुल ही सही बोल रहे हो अर्णव, उन शिक्षक और प्रोफेसर को उनकी करनी और गैर जिम्मेदारीपन बर्ताव की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, और मैं इसमें पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या हमारे पास कोई सबूत है जिसे हम उन्हें गलत प्रूफ कर पाएंगे? किन आधार पे हम उन सबको सजा दिलाएंगे? कानून तो सबूत मांगती है ना। अर्णव ने मेरे बात सुनते ही बड़े ध्यान से बोला, एक सबूत है मेरे पास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी हर दिन की दैनिक क्रियाकलाप अपने व्यक्तिगत डायरी में लिखा करता था। अपने पर्सनल डायरी में मेरी जिंदगी की हर एक दिन की दास्तां होती थी और मेरी जिंदगी की सीक्रेट डायरी थी। मैं अक्सर उन बातों को अपनी डायरी में लिखा करता था जिससे मेरा सामना हुआ हो। मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात और मेरे साथ हुई हर घटना और दुर्घटना का जिक्र मैं हमेशा अपनी उस डायरी में करता था। मैंने अपने साथ हुए कॉलेज की हर उन बातों को और सबूत को उस डायरी में लिखा हूँ। कॉलेज में मेरे साथ हुए हर ज्यादती अत्याचार और गलत चीज़ों को मैंने डिटेल्स में उस डायरी में लिख रखा है। लेकिन वो डायरी अब कहाँ मिलेगी हमें? मैंने अर्णव की बातों को बीच में ही काटते हुए पूछा था। अर्णव ने इत्मीनान से कहा, वो डायरी मेरे मरने के बाद से ही आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आज भी वो डायरी मेरे कमरे के दराज में एक बॉक्स के अंदर रखी पड़ी है। उस डायरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे घर जाना होगा अरुण। तुम मेरे घर जाओ और वो डायरी हासिल करो। उसके बाद बाकी के सबूत भी तुम्हें खुद पे खुद अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। अर्णव की बात सुनकर मैं खुश होकर जोश और हौसले भरे लफ्ज में कहा, ठीक है अर्णव, अब मैं जैसे भी हो उस डायरी तक पहुंचकर उसे हासिल जरूर करूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं अर्णव, जब तक उन शिक्षकों और प्रोफेसर को उनके गलती का दंड और तुम्हारे साथ हुए ना इंसाफी की इंसाफ तुम्हें नहीं दिला देता, तब तक मैं अब चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुनकर अर्णव हल्के से मुस्कुराते हुए हौले से बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, इस मिशन में मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे। अभी अर्णव के साथ मेरी बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक एक आवाज आई, अरे अरुण, इतनी रात गए तुम यहां गार्डन में क्या कर रहे हो, और ये तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो? ये आवाज मम्मी की थी। आवाज अचानक से मेरी पीछे से सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो सामने माँ ही थी, और अगले ही पल अर्णव वहां से गायब हो गया था। माँ ने अर्णव को नहीं देखा था। मैंने खुद को संभालते हुए सहज भाव से माँ से बोला, नहीं माँ, वो जरा सा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बस थोड़ी सी टहलने चला आया था यहाँ। चलो अब सोने चलते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ा। पता नहीं माँ को क्या लगा और उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा, लेकिन उनके कुछ और कहने और पूछने से पहले ही मैं सीधे अपने कमरे में आ गया था। उस रात मेरे आंखों में नींद कहाँ, बस रह रह कर उसी अर्णव का मासूम सा चेहरा और उसके साथ हुए कॉलेज की उस भयानक हादसे मेरे जहन में आ रहे थे। बहुत देर तक मैं बस यही सोचता रहा कि आखिरकार मैं अर्णव को इंसाफ कैसे दिला पाऊंगा, कैसे सक्सेस होऊंगा मैं अपनी इस मिशन में। बहुत सोच विचार और गहरी मंथन के बाद मन में एक विचार आया। शायद अब मुझे रास्ता सूझ गया था और एक दृढ़ विचार भी सोच लिया था मैंने। अर्णव को इंसाफ और उन भ्रष्ट परिसर प्रबंधन की पोल खोलने की और उनकी पूरी सच्चाई दुनिया तक लाने की। शायद अब पूरी प्लानिंग मेरे दिमाग में सेट हो गया था।
तभी तो इतना सोच मैं इत्मीनान से हौले सी मुस्कान के साथ कमरे के अंदर बिस्तर पर चादर तान कर सो गया था। अगली सुबह मैं अपनी प्लानिंग के साथ अर्णव के घर के मेन गेट पर था। अर्णव ने पहले ही अपने घर का पता मुझे बता दिया था। उसके घर की मेन डोर की घंटी अभी एक बार ही बजाया था कि एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। चेहरे पर कुछ उदासी और हल्के से फीके रंग की उन महिला की उम्र यही कोई 45-50 वर्ष का रहा होगा। उन्हें देख मुझे ये समझते देर न लगी कि हो ना हो यही अर्णव की माँ है। इससे पहले कि कुछ पूछे मैंने खुद ही उन्हें बताया, हेलो आंटी, मेरा नाम अरुण है। मैं TU यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में एक वार्षिक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें कैंपस की पुराने सीनियर स्टूडेंट्स की काबिलियत और उनके आदर्श की चर्चा की जाती है, और जो स्टूडेंट्स अब हमारे बीच नहीं रहे उनके आत्मा की शांति के लिए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है, और जो स्टूडेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और विशेष कार्यक्रम भी किया जाता है। मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। मेरी इतना कहते ही शायद समझ गई कि मैं उनसे उनके बेटे अर्णव के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि उनका बेटा अर्णव भी उसी TU कॉलेज का स्टूडेंट था। अर्णव का ख्याल आते ही उनका चेहरा और उदास हो गया, आंखें जैसे आंसुओं से डबडबा आए हो। फिर भी उन्होंने मुझे बड़े ही अपनापन से बोली, अंदर आ जाओ बेटा। उनके घर के अंदर प्रवेश करते ही मैंने देखा उनका घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे जिंदगी का कोई रंगरस ना हो, कोई उम्मीद ना हो, कोई जीने की तमन्ना और खुशियां ना हो। मैंने मन ही मन ये सोचा, एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है, जिसका इकलौता ऐसा नेक जिम्मेवार और काबिल बेटा 20-25 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु के गर्भ में चला जाए। उस माँ के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है जिसका जवान बेटा उसके आंखों के सामने चल बसे। फिर उनसे मैंने कई मिनटों तक बातें की। उन्होंने मुझे अर्णव की हर छोटी बड़ी बात बताई जो जानती थी, उसके बचपन के सारे यादगार बातें, और बड़ा होने पर अपने माता पिता के प्रति की जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया था उन्होंने, जो अर्णव बखूबी निभा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि अर्णव कैसे अपने माँ बाप का हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था, उनकी हर कहना मानता था, सबकी कितनी इज्जत और सम्मान करता था, सच्चा आत्मस्वाभिमान और अपनी खुददारी से जीने वाला अर्णव कभी किसी से कोई झगड़ा मारपीट या बदतमीजी नहीं करता था, किसी से कोई बैर या दुश्मनी नहीं। फिर भी नियति ने एक कैसी साजिश की थी उसके साथ। ये सब कहते कहते अर्णव की माँ की आंखें आंसुओं से भर उठे और वो फपक फपक कर रो पड़ी। सद अपने बेटे के गम को वो बर्दाश्त न कर सकी हो। अर्णव की माँ की धूमिल हो चुकी उन बेबस और लाचार आंखों में अपने मर चुके बेटे के लिए वो प्यार, ममता और दर्द साफ छलक रहा था। अर्णव के माँ को देखकर मैंने ये साफ महसूस किया कि अर्णव से बिछड़ने का भारी सदमा लगा था उसकी माँ को। अपने जवान बेटे को खो देने का गम उन्हें अंदर ही अंदर जैसे मार रहा था, वो अंदर ही अंदर टूट सी गई हो जैसे। मैंने उन्हें समझाया और हौसला दिया। शायद उन बेचारी को तो ये भी मालूम ना था कि उनके बेटे के साथ जो हादसा हुआ था वो पूरी तरह से स्वाभाविक या नेचुरल नहीं था, और ना ही ये अर्णव की नियति थी। ये सब तो उस कॉलेज के लोगों की साजिश थी अर्णव के खिलाफ। लेकिन इन सारी बातों से और अपने बेटे की मौत की असली वजह से अभी तक अनजान थे अर्णव के पेरेंट्स। मैं चाहता था कि अपने बेटे के गम में पड़ी इस बेचारी माँ को
उसके बेटे का मौत का असली सच बता दूं, पर पता नहीं क्यों क्या सोचकर उस वक्त मैंने ये सब बता नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मैं वहां कुछ और ही मकसद से गया हुआ था और पहले मुझे अपनी वो काम पूरा करना था जिसके लिए मैं वहां गया हुआ था, और जैसे कि खुद अर्णव की रूह ने मुझे करने को कहा था। कुछ देर की बातों के बाद मैंने अर्णव की माँ से अर्णव की कमरे में जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अर्णव की माँ बोली, अर्णव के जाने के बाद हम लोगों में से कोई भी उसके कमरे में नहीं जाते, उसकी ढेर सारी याद जुड़ी हुई है उस कमरे से। 2 साल से वो कमरा वैसा ही बंद पड़ा है, अब तो जैसे उसके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन आज जब तुम आए हो और जैसे कि तुमने बताया कि कैंपस में कुछ विशेष कार्यक्रम है, तो चलो मैं तुम्हें उसके कमरे में ले चलती हूँ। इतना कहकर अर्णव की माँ मुझे अर्णव के रूम की ओर ले जाने लगी। फिर मैं भी अर्णव के माँ के साथ अर्णव के कमरे में पहुँचा। उसके कमरे में जाकर मैंने अपनी तेज नज़र हर तरफ दौड़ाई। अर्णव के कमरे का हर चीज वैसे ही सजाया और मिलाया हुआ था जैसे उसने 2 साल पहले छोड़ गया था। हर चीज बड़े ही शालीनता और व्यवस्थापित तरीके से मिलाकर रखा गया था। जैसे कि अर्णव की आत्मा ने मुझे बताया था कि मुझे उसकी वो पर्सनल डायरी हासिल करना है, तो मैंने वो डायरी ढूंढनी शुरू की। तभी सामने मैंने अर्णव का वो दराज देखा जिसके जिक्र अर्णव ने किया था और बताया था कि उसकी वो डायरी उसी दराज के अंदर है। अर्णव के मरने के बाद से उसके कमरे को जरा सा भी छेड़ा नहीं गया था, जो सामान जहाँ था वो वैसे ही रखा गया था। अब मुझे जैसे भी इस दराज को खोलकर वो डायरी हासिल करनी थी, लेकिन ये सब काम मैं अर्णव के माँ के सामने नहीं कर सकता था। सो मैंने उन्हें कमरे से कुछ देर बाहर रहने के लिए उनसे एक गिलास पानी की मांग की, और जैसे ही माँ मेरे लिए पानी लेने नीचे किचन में गई, मैंने झट से कमरे का वो अलमारी खोली और उसमें रखी सारी चीज़ों के बीच वो डायरी ढूंढने लगा। तभी कुछ किताबों के बीच अचानक से मुझे वो डायरी दिख गई। मैंने तुरंत झट से बिना समय गंवाए वो डायरी लेकर अपना बैग में रख लिया। तभी माँ किचन से मेरे लिए पानी लेकर लौट आई। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और मैंने माँ को समझा बुझा कर उन्हें हिम्मत दिया। उनके मृत बेटे के गम से निकलने के लिए मैंने उनको सांत्वना और ढाढ़स दिया और उनसे फिर मिलने का वादा करके उनसे विदा लिया। अब मैं अर्णव के घर से बाहर निकल चुका था। मैं खुश था कि हमारी मिशन की पहली और इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ आ गई थी। अब मैं अर्णव के उस डायरी के साथ अपनी अगली योजना की ओर बढ़ चुका था। जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं होता। हाँ, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप उस काम को पूरी शिद्दत और लगनशीलता के साथ करो और उस लक्ष्य पे लग जाओ, तो निश्चय ही आपको उसमें सफलता मिलेगी और जीत भी आपकी जरूर होगी। मेरे हाथों में अब अर्णव की डायरी तो आ गई थी, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अर्णव को इंसाफ दिलाने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि मैं जिन लोगों को एक्सपोज करने जा रहा हूँ वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं, शहर के सबसे बड़ा कैंपस था वो, और इतने पावरफुल लोग थे वे लोग। इसलिए मुझे इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए अपने माता पिता का साथ और उनका समर्थन भी जरूर चाहिए होगा, क्योंकि जिस मिशन पे मैं था उसमें बिना हमारे पेरेंट्स और गार्जियंस के सपोर्ट और उनके साथ के बिना शायद हम आसानी से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। यही सोचकर मैंने सबसे पहले
इस बारे में खुद अपने ही माता पिता से बात करना मुनासिब समझा। और फिर उसी शाम को मैंने अपने मॉम डैड को इस बारे में सब कुछ बताया। उन्हें अर्णव की दर्द भरी वो सारी दास्तान सुनाई। पहले तो उन्हें मेरे बातों पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने जब उन्हें अर्णव की लिखी उसकी पर्सनल डायरी दिखाई तब उन्हें भी आश्चर्य लगा। मैंने उस कैंपस में हुए अर्णव के साथ सारी वारदात को सविस्तार से अपने पेरेंट्स को बताया। फिर बहुत गंभीर से सोचने के बाद मेरे मम्मी पापा मेरे सपोर्ट में आ गए और उन्हें अर्णव की पास्ट स्टोरी पर भी विश्वास हुआ। अर्णव ने अपने बारे में मुझसे ज़्यादा से जितनी बातें बताई थी मैंने वो सारी बातें बड़ी ही गंभीर और अस्पष्ट तरीके से अपने माता पिता को बताया। मैंने अपने डैड से कहा, पापा मैं किसी भी हालत में उन अपराधियों को सजा दिलाना चाहता हूँ जिसके कारण से अर्णव की जिंदगी बर्बाद हुई। आज भी उन प्रोफेसर्स और टीचर्स की वजह से कैंपस की पढ़ाई अस्त व्यस्त पड़ी है। पहले से और भी ज़्यादा और गंदा भ्रष्टाचार, लापरवाही और लूट तंत्र वहाँ पे बढ़ गया है और कई स्टूडेंट्स का आज भी वहाँ पे मानसिकता और इमोशनल रूप से शोषण किया जा रहा है और ये शोषण ऐसे ही कई सालों से होता आ रहा है। डर के मारे कोई भी स्टूडेंट्स सामने नहीं आता और ये कालाबाजी कई सालों से चलता आ रहा है। अर्णव तो बस एक उदाहरण है पापा, न जाने अर्णव जैसे और कितने ही स्टूडेंट्स का जीवन इन लोगों ने इसी तरह से बर्बाद कर दिया हो। अब मैं इन सब को ऐसे ही आज़ाद नहीं घूमने दूंगा, इन्हें इनकी करनी का सजा मिलना ही चाहिए पापा, मिलनी ही चाहिए। ये सारी बातें जैसे मैं एक ही सांस में बोल गया हो। बोलते बोलते मैं इतना आवेश में आ गया कि मेरी सांस फूलने लगा। उन लोगों के प्रति मन में नफरत और गुस्से की सैलाब उमड़ रहा था। मेरी कही हुई इन सब बातों को सुनकर मेरे डैडी बोले, बेटे अरुण मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक ऐसे काम को अंजाम दे रहे हो जो किसी के भटकते रूह को इंसाफ दिलाएगा। बस इतना समझ लो कि इस मिशन में हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। पापा का साथ और उनके सपोर्ट से भरे उनकी इन सब बातों ने मुझ में और भी जुनून और हौसला भर दिया। फिर इसके बाद मैं और पापा दोनों ही बहुत देर तक इस विषय पे बातें करते रहे और योजना बनाते गए। सबसे पहले तो हमने गुप्त रूप से कॉलेज के और भी उन छात्रों का पता लगाया जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं उन टीचर्स और प्रोफेसर्स के उनके शोषण के शिकार हुए थे। फिर हमने उन सब के माता पिता से भी इस विषय पर बात की। उन बाकी के छात्रों के गार्जियन से हम गंभीर होकर इस मुद्दे पर चर्चा की। जिस कैंपस में उनके बच्चे पढ़ रहे थे उसी कैंपस की इतना घिनौना सच सुनकर सबको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कॉलेज स्कूल जैसे संवेदनशील जगह पे जहाँ कई सारे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की हसीन सपने और उज्जवल भविष्य लेकर पढ़ने आते हैं, अपनी सक्सेस फ्यूचर की कल्पना और इरादा लिए वो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने और उच्च शिक्षा हासिल करने आते हैं, वहाँ पढ़ने आए उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ उनकी अकेले की सपने नहीं बल्कि उनके साथ उनके माता पिता घर परिवार और गांव समाज के भी कई सारे सपने और उम्मीदें जुड़ी हुई होती है। लेकिन उसी कॉलेज कैंपस और शिक्षा के मंदिर में आज लालच, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और जुर्म का ये गंदा खेल चल रहा है। कितनी शर्मनाक और गिरी हुई बात थी ये खुद में ही, कितना बड़ा जुर्म और अपराध था ये। फिर उन सारे माता पिता और गार्जियंस ने एक होकर ये प्रतिज्ञा की कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षक और प्रोफेसर को तो सजा दिलानी ही होगी। इस कॉलेज कैंपस में हो रहे कालाबाजारी, लूट तंत्र और भ्रष्टाचार को अब खत्म करना ही होगा। उन सब ने एक होकर ये प्रतिबद्धता जताई
कि चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वे लोग अब इस इंसाफ की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। मैं बहुत खुश था कि इस मुहिम में मैंने अपनी एकता बना ली थी, और मुझे ये तसल्ली भी थी कि अब इस मुहिम में सब मेरे साथ थे, अब मैं अकेला नहीं था। लेकिन अब मुझे इस मिशन के मेन किरदार को सामने लाना था, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अर्णव के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो अभी अपने मरे हुए बेटे की जिंदगी के साथ हुए उस त्रासदी के बारे में कुछ मालूम ही ना था। और मैं जानता था कि ये सब उन्हें बताना और समझाना इतना आसान नहीं थी, फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही थी। और इसी के तहत मैं अपने नेक्स्ट प्लान के मुताबिक अगले दिन मैं अपने माता पिता और उन बाकी के तमाम छात्र और उन सभी के माता पिता के साथ अर्णव के घर पहुंचा। शुक्र है कि उस दिन अर्णव के मम्मी पापा दोनों ही घर पर मौजूद थे। उस दिन मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। मैं तो वहां पहले ही भी जा चुका था और अर्णव की माँ से मिल भी चुका था, इसलिए मुझे उन लोगों से बात करने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे जाकर सबसे पहले तो मैंने अर्णव के मम्मी पापा को वो सारी बात बताई जिससे वो आज तक अनजान थे। अर्णव के मौत का असली वजह और उसके साथ हुए उस हादसे का सारा सच उन्हें बता दिया। कैंपस के शुरुआती दिनों से लेकर अर्णव के मरने तक का एक एक बात मैंने सविस्तार से उन्हें बताया। अर्णव को टॉर्चर करना, उसे ब्लैकमेल करना, उसे एग्जाम में जानबूझकर फेल करा देना, क्लास में उसे हर रोज बेइज्जत और जलील करना, उसे मेंटली हरासमेंट करना, और भी तमाम वो बात मैंने अर्णव के पेरेंट्स को बताए जो बात मुझे अर्णव ने कही थी। कैंपस में उसके साथ हुए सारे हादसे को मैंने बता दिया था, और सबूत के रूप में मैंने अर्णव की लिखी उसकी वो डायरी भी उनके सामने रख दी थी। जब मैंने उन्हें अर्णव के साथ हुए उन हादसों का जिक्र किया तो जैसे सुनकर सन्न रह गए। एक पल को तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके इतने नेक, आदर्श और लगनशील बेटे की जान गई इन भ्रष्ट प्रोफेसर के कारण। मैंने उनको अर्णव की लिखी वो डायरी भी दिखाई थी जिसमें अर्णव ने खुद अपने ही हाथों से अपना दर्द भरी आपबीती लिखी थी, अपना दर्द उन कागज के पन्नों पर बयां किया था। कॉलेज पीरियड की अपनी सारी बातें इसी डायरी में लिखी थी अर्णव ने। अपने साथ हुए सारी ज्यादती और हादसे का जिक्र अर्णव ने अपने उस सीक्रेट डायरी में लिखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी तो पहले से ही बस रोए जा रही थी। रोते हुए अर्णव की माँ बोली, एक बार अर्णव ने इस बारे में मुझसे कुछ बताया था कि कैंपस लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रहा उसके साथ, लेकिन उस समय मैंने उसकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं किया। मुझे लगा कि शायद ये कॉलेज लाइफ की कोई छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही छोटी सी बातें आगे चलकर मेरी बेटी की मौत का कारण बनेगा। अगर हम समय रहते उसकी बातों पे गौर करते और उसे उसकी समस्या के बारे में अच्छे से बात करते, और शायद मैं उस बात को गंभीरता से लेती और तुरंत उस पर कुछ एक्शन लेती, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। मेरा बेटा अकेले ही इतने दिन तक ये सब दर्द को सहता गया, अकेले ही उन लालची, चलाक, धूर्त भेड़ियों से लड़ता रहा। शिक्षा के नाम पर कालाबाजारी और भ्रष्टाचार करने वाले इन नरपिशाचों का शिकार हो गया मेरा इकलौता बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। इतना कहकर अर्णव की माँ फपक फपक कर रो पड़ी। अर्णव के माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेचारी तो अब तक अपने बेटे के मौत को नियति का खेल समझ रही थी, लेकिन आज उनको अपने बेटे के मौत का असली सच मालूम हुआ था।
उन्होंने रोते हुए अचानक से बहुत ही गुस्से से बोली, उन पापियों को सजा मिलनी ही चाहिए, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं अपने बेटे को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, उसके साथ गलत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। अर्नब के पापा भी अपने आंसू फूसते हुए बोले, अब तो जो होना था वो हो गया, कैंपस के उन सारे अपराधियों को तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि हम उन सब भ्रष्टाचार करने वाले टीम को कैसे कानून के दायरे में ले आए और दुनिया के सामने उनका असली चेहरा कैसे लाए, आखिर कैसे उन्हें बेनकाब करें। वहां मौजूद सारे माता पिता और मेरे सारे कैंपस फ्रेंड्स ने मिलकर ये फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उन भ्रष्ट लोगों को कानून के फंदे में लेकर ही आएंगे और जितने भी दोषी हैं उन सबको सजा दिलाएंगे। मैं खुश था क्योंकि अब मैं इस मुहिम में अकेला नहीं था, इस जंग में मेरे साथ मेरे माता पिता, अर्नब के माता पिता, मेरे सारे कैंपस फ्रेंड्स और उन सारे फ्रेंड्स के सारे पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था मुझे, और सबसे बड़ी बात कि खुद अर्नब की रूह भी मेरे साथ थी, जो कहीं ना कहीं हर बार मुझे गाइड कर रही थी और मेरा हेल्प भी। अब जरूरत थी तो मुझे बस अपनी अंतिम दाव खेलने का और उन पे एक घातक वार करने का। अब हमारे प्लान, इस मिशन और इस सारी वारदातों का बस अंतिम मंजर और मेरा आखिरी चाल चलना बाकी था, जिसके लिए शायद अब मैं मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से प्रिपेयर था। मैं जानता था कि आगे मुझे क्या करना था और मैं उसकी सारी प्लानिंग कर चुका था। कहा जाता है कि अन्याय करने से भी ज़्यादा किसी की अन्याय और अत्याचार सहने में पाप है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, चुपचाप किसी गलत करने वालों को सहते रहने से गलत करने वाले की हौसला और ज़्यादा बढ़ती है। उस हो रहे गलत का आप विरोध कीजिए, उसे निरुत्साहित कीजिए। मुझे हर हाल में अर्नब को इंसाफ दिलानी थी और इसके लिए मैंने सारे प्लानिंग पहले से ही कर रखा था और अपनी उसी योजना के मुताबिक मैं अपना एक एक कदम अपने मंजिल की तरफ बढ़ा रहा था। अर्नब की आत्मा में उसकी आत्मा भी मुझे हर मोड़ पे गाइड करता रहा। मुझे मेरे माता पिता के अलावा बाकी उन सारे माता पिता का भी समर्थन मिला, जिसके बच्चे भी कभी ना कभी उन शिक्षक और प्रोफेसर द्वारा प्रताड़ित किए गए हुए थे। सब लोग बस यही चाहते थे कि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन अर्नब को इंसाफ मिले और उसके दोषियों को सजा मिले, ताकि फिर कभी इस कैंपस या कॉलेज में फिर दोबारा ऐसी शर्मनाक घटना कभी ना दोहरे। अब हम लोगों की सारी तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब बस हमें अपने अंतिम दाव खेलना था। उसी के तहत अगले दिन मैं पूर्व नियोजित अर्नब के मम्मी पापा के साथ उसी शहर के पुलिस थाने पहुंचा, जहां अर्नब के पेरेंट्स ने उस कैंपस और वहां के प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पहले तो वहां का थाना इंचार्ज ने शिकायत लिखने में बहुत आनाकानी की, जरा सो वो वहाँ के उतने प्रतिष्ठित और बड़े आदमी के नामी कॉलेज के खिलाफ FIR लिखने में टालमटोल करने लगा। लेकिन जब अर्नब के मम्मी पापा लगाए थे, मेरे माता पिता और उन बाकी तमाम छात्रों के माता पिता का दबाव पड़ा, तो उन्हें कंप्लेन लिखना ही पड़ा। अर्नब के माँ बाप ने अपने बेटी की मौत से लेकर उस कॉलेज में हो रही सारे भ्रष्टाचार के बारे में पुलिस को बताया और फिर अगले दिन पुलिस ने मौके पर उस कैंपस में छापा मारा, जहां और भी कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए
उन टीचर और प्रोफेसर को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। देखते ही देखते ये बात जंगल की आग की तरह हर ओर फैलती चली गई। शहर के बड़े से बड़ा राजनेता से लेकर डीसीपी तक सब सकते में आ गए। बात ने जब और तूल पकड़ी तो मीडिया ने इस में हमारा साथ दिया और बाल की खाल निकालते हुए इस मुद्दे को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद देखते ही देखते ये मुद्दा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और जिला मुख्यालय से केंद्र तक पहुंच गई। फिर केंद्र सरकार की ओर से और भी कई सारी जांच एजेंसियां इस कैंपस में भेजी गई। पुलिस के द्वारा कॉलेज के छानबीन में कानून के हाथ कुछ ऐसे सारे सबूत मिले जिससे उस कॉलेज की कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता और हमारे प्रबंधन टीम के दोहरे चेहरे सबके सामने आ गए। जांच एजेंसियों ने कई सारे सबूत भी पेश किए थे उन कॉलेज के खिलाफ और अब उस कैंपस में चौतरफी दबाव पड़ने लगा। जब ये मुद्दा अदालत पहुंची तो कई और छात्र और नए चेहरे भी सामने आए जो उस कैंपस द्वारा किसी समय में मानसिक और शारीरिक रूप से कभी ना कभी टॉर्चर किए गए थे। पुलिस ने वहां से कई सारी नकली कागजात और फर्जी दस्तावेज भी ढूंढ निकाले। इस मामले में और कई सारे काले चेहरे बेनकाब हुए। उन प्रोफेसर पे ये आरोप था कि वो लोग कॉलेज के कई सारे छात्र को मानसिक और शारीरिक और संज्ञात्मक रूप से टॉर्चर करते थे, उनकी एग्जाम परिणाम के साथ हेराफेरी करते थे, कॉलेज की अपनी नियमित पीरियड अनुपस्थित और दूसरे कॉलेज में आकर चोरी छिपे पढ़ाते और अपनी इस काली करतूत को छिपाने के लिए वहाँ के मासूम विद्यार्थियों को मानसिक शोषण करते थे। और जो भी इनके गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहती हो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर देते थे, उसे बर्बाद और तबाह कर देते थे, फिर चाहे उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो। बाद में तो ये भी मालूम चला कि उस कॉलेज में कई बार कई लड़कियों के साथ गलत सलूक भी हुआ था, उनके शारीरिक शोषण तक के केस भी सामने आने लगे। उस कॉलेज के अध्यापक और प्रोफेसर लोगों ने मिलकर सरकार के नियम और शिक्षा शास्त्र की धज्जियां उड़ाई थी। अदालत में इस मामले पर काफी बात और बहस चला, कई दिन तक इस पे बात जारी रहा। मैंने अर्नब की वो डायरी भी अदालत में पेश की और साथ में उन सारे छात्र और उनके माता पिता ने भी कोर्ट में निष्पक्ष रूप से अपनी गवाही दी। ऐसे ही कई दिन तक अदालत में इस मुद्दे में मामला चलता रहा। उन लोगों ने भी अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगाया हुआ था। कई सारी राजनीतिक दबाव भी इस मामले के खिलाफ पड़ रहे थे। इस मामले को ढांक छिप करने के लिए कई सारी योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन कहा जाता है ना कि बुराई चाहे कितना भी प्रबल और बलवान क्यों ना हो, जीत हमेशा सच और सच्चाई की होती है। और ये भी कहा जाता है कि झूठ की लपटे चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच की तलवार एक ना एक दिन उसे काट ही डालती है। और अब हमारे इस सच और झूठ, अच्छाई और बुराई के खेल का अंतिम फैसला आना बाकी था और फाइनली हमारे इतने अथक प्रयास और कोशिशों के बाद अंत में सच्चाई की जीत हुई। उन चार प्रोफेसर को कोर्ट में दोषी करार दिया गया। सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ थे और उन्हें कोर्ट में दोषी ठहराया गया और कानून के मुताबिक उन सबको सजा भी मिली। अर्नब के माता पिता को क्षतिपूर्ति बाबत उस कैंपस द्वारा 50 लाख रुपए का हर्जाना भी दिलवाया गया। इस फैसले से हम सब काफी खुश थे। आखिरकार आज सच और झूठ की लड़ाई में सच्चाई की जीत हुई थी। इतने दिनों बाद आज जाकर मेरे दिल को एक सुकून मिला था। अर्नब के माता पिता के चेहरे पर भी एक तसल्ली थी कि कम से कम अर्नब के दोषियों को सजा तो मिली और उनके मरे हुए बेटे को इंसाफ मिला। अब जाके कहीं ना कहीं
अर्णव की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आज एक बार फिर मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में था और शाम की क्लास चल रही थी, यानी कि इवनिंग क्लासेज। मैंने क्लास में बैठे हुए ही एक नज़र खिड़की के उस पार दौड़ाई। अचानक से मेरी नज़र जैसे क्लासरूम की उस खिड़की पे ठहर गई हो जैसे। मैंने वहाँ देखा कि जैसे आखिरी बार अर्णव का रूह मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक सुख थी और आंखों में आंसू, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि उस खुशी की थी जिसमें आज उसे इंसाफ मिला था। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से मुझे जैसे आखिरी बार अलविदा कहा हो, और देखते ही देखते उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अब उसकी आत्मा को इंसाफ मिल गई थी और उसके रूह को मुक्ति, एक सुकून भरी मुक्ति। स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे द हॉरर पॉडकास्ट आरजे अरुण के साथ। आज की कहानी थी द इवनिंग क्लासेज। आप लोगों को बता दूं, ये कहानी मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी के बारे में अपनी राय सलाह, अपना ओपिनियन और फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। सरकारी कॉलेज और स्कूलों में होने वाली भ्रष्ट कालाबाजारी और घुसखोरी के आधार पर लिखा गया इस स्टोरी का कथानक आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। स्कूल, कॉलेज, कैंपस वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर की ब्राइट सक्सेस के लिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं शिक्षा के मंदिरों में ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी होती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और उस पर भी अगर बात की जाए गवर्नमेंट की उन सरकारी कॉलेज कैंपस और वहाँ की शिक्षा शास्त्र व्यवस्थापन की, तो बहुत सी ऐसी खामियाँ और लापरवाही नज़र आती है जो वहाँ के करप्शन और भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट की मनोविज्ञान, कैंपस के रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट धोखा, लापरवाही और साइकोलॉजिकल थ्रिलर इनोवेल ये स्टोरी आप लोगों ने सुना। कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का राइटर मैं स्वयं था, यानी कि ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी थी। सो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगले शुक्रवार फिर से सुनिएगा रात 8 बजे द हॉरर पॉडकास्ट, जिसमें आप लोग सुनेंगे एक और दिल को छू लेने वाली हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरी। तब तक के लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।